नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के घर पर ही रोजगार मिल सके और अपनों के बीच रहकर लोग बाग जीवन गुजारा कर सके, इसलिए सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया। लेकिन ग्रामीण मजदूरों को क्या पता कि मनरेगा की राशि उनके खाते तक पहुंचने में महीनों साल बीत जाएंगे। कुछ इसी तरह मामला धरमजयगढ़ विकास खंड के कापू क्षेत्र के नजदीक ग्राम पंचायत सुपकालो में देखने को मिल रहा है। धरमजयगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत सुपकालो में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत डबरी निर्माण का कार्य कराया गया, लेकिन मजदूरी कराने के बाद इस गांव के कई व्यक्तियों की शिकायत सामने आई है। इसमें विगत कई महीनों पूर्व ग्राम पंचायत सुपकालो के आधे से ज्यादा ग्रामीण मजदूर मनरेगा के डबरी निर्माण कार्य में खून पसीना एक किए थे, लेकिन उनकी मेहनताना आज तक उन्हें नहीं मिली। आप लोग मनरेगा में काम किए थे, पेमेंट वगैरह मिल गया आप लोग का? नहीं मिला। कितना दिन काम किए थे? अभी 20-25 दिन काम किए थे। तो कैसे नहीं मिला पेमेंट? अभी और सबको मिल गया, लेकिन मेरे को बिल भी नहीं किया है। एक पेमेंट मिल गया है उन लोग को, लेकिन मेरे को पेमेंट भी नहीं मिला है। तो इसके लिए बोले नहीं? बोला था साथियों को, लेकिन डाल दूंगा बोला, लेकिन डाल भी नहीं किया है। मतलब ऐसे वो घुमा रहा है? वो ना घुमा रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे, इसकी शिकायत वगैरह? शिकायत करेंगे उसको। और कितने लोगों का पेमेंट बाकी होगा? बाकी है वो तालाब वाला का भी, उन लोग का भी बाकी है 2-3 दिन का। इस मामले में जब मजदूर से पूछा गया तो उसने बताया कि उसने 25-30 दिन डबरी निर्माण में कार्य किया था, लेकिन आज तक उसे उसकी मजदूरी का एक रुपया भी नसीब नहीं हुआ है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीब ग्रामीणों की परवाह में मनरेगा के तहत पंचायतों को डबरी, तालाब तथा कुआं जैसे कार्य दिए गए, ताकि ग्रामीणों को लॉकडाउन के दौरान हुई तकलीफों से कुछ राहत मिल सके। लेकिन विडम्बना यह है कि इतने माह बीत जाने के बाद ग्रामीण मजदूरों के खाते में मजदूरी भुगतान की राशि नहीं आ रही है और रोजगार सचिव अपने घर का चक्कर कटवा रहा है। ऐसे में नाराज ग्रामीण जल्द ही धरमजयगढ़ जनपद मुख्यालय का रुख करने की बात कर रही है। धरमजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।